जेडे मां बाप के गुस्ताख हैं ना वो भी नाल एक गल सुन लवन। हजूर फरमाते मैं जन्नत गया तो मैं सुने एक बड़ा उच्चा कुरान पढ़ रहा बंदा, तो मैं पूछा कौन है जी? उन्हें कहा जी हर सब नौमान उच्चा कुरान पढ़ रहा जन्नत। तो हजूर ने फरमाया अच्छा 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 ठीक है, माँ की खिदमत करने का यही सिला होता है। माँ के गुस्ताख सुन लवो, हाँ जी जेडे माँ के गुस्ताख हैं, माँ के नाल बंदा भलाई करे तो जन्नत भी उच्चा कुरान पढ़ना पे। तो ये जी माँ मेरी बड़ी डाढ़ी और डाढ़ी जमया तो तेनू इसने है डाढ़ी ये जो जी है तो माँ तो तेरी ना, तो जिगर तो उन्हें तेनू पिलाया। ये तो हजूर ने फरमाया लोग जनानियों की इतात करेंगे तो मावन के ना फरमान हो जाए। ये तो हजूर ने 15 चीज़ा फरमाइया, जब सुरख आंधियाँ जलजले आ जाएंगे लोगों दिन शक्ल भी मसक हो जाएंगी, उन्होंने एक जुर्म यह भी है हाँ जी कि लोग अपनी मावं के ना फरमान हो जाएंगे तो जनानियों के इतात गुजार हो जाएंगे। ये माँ बाप सुभान अल्लाह माँ बाप ही होंगे, जो जो मर्जी होवन माँ बाप ही होंगे। तो जेड़े लोग माँ के गुस्ताख हैं वो हजरत हारसा बिन नौमान के इस अमल के उत्तों सबक हासिल कर। जे तुसी चाहते हो भाई कबर ते हशर ते जन्नत उच्चा कुरान पढ़िया जाए तो फिर माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। जेड़ा कोई है तो तौबा करे, माँ को माफ़ी मंगे, वो पैर धो के पीवे, वो जुतियाँ सिर ते बन लवे। कहें जी मैं इतना अरसा गुस्ताखी की हूँ जुतियाँ, लोग पूछने कितिया जुतियाँ, कहें मेरे माँ के मुबारक पैर नाल लगियां, फिर ही माफ़ी हो सकती।